आगे बात करें तो चुनाव नतीजों को आए दो दिन बीत गए, नतीजों में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा ने नारा तो 400 पार कर दिया था, लेकिन पार्टी बहुमत आंकड़ा यानी कि 272 भी नहीं छू पाई। पार्टी इस गम से अब तक बाहर नहीं आ पा रही है और कार्यकर्ताओं से हुजूम रहने वालों पार्टी दफ्तर सन्नाटा पूरा पसरता हुआ नजर आया है। वहीं कांग्रेस राज्य में दो सीट जीत कर खुशी में डूबी हुई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड का ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय है। चुनाव रिजल्ट आने से पहले नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता था, सबके जुबा पर 400 पार का ही नारा था और आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि भाजपा इस हार का कारण ढूंढने के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक जरूर कर रही है। देखिए, कोई विद्यार्थी अगर सिर्फ पास मार्क का उम्मीद करे और उसको उस उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो वो तो खुशी के मारे नाचेगा ही, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी कहीं ज्यादा थी। निश्चित रूप से हमने लक्ष्य अपने लिए बड़ा रखा था, इसलिए कहीं ना कहीं 240 आने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं और हम प्रयास करेंगे कि आगे इन गलतियों को हम न दोहराएं और हमारा आंकड़ा और बढ़े। लेकिन अब उनसे पूछिएगा कभी कांग्रेस के लोगों से कि तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार तीन चुनावों से आप 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं और 2009 के चुनाव में उनको मैक्सिमम 200 सीटें आई थी और लगातार जिस तरह से उनका पराभव हुआ है तो इससे बहुत उतराने की और उछलने कूदने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का जनादेश दिया। वहीं इस हार पर भाजपा का कहना है कि हमारी अपेक्षाएं ज्यादा थी, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए, इसलिए हम खुश नहीं है। भाजपा के गम का तो पता चल गया, लेकिन कांग्रेस की खुशी का कारण किसी को भी नहीं पता। भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए ही खुशी का कारण हो सकता है। साथ ही ये आस भी हो कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन तोड़ जोड़ की राजनीति कर सत्ता हासिल कर लेगी। एनडीए या भाजपा जो उनके दावे थे 400 पार, उनके 400 पार दावे को भी और 272 के फिगर को भी देश की जनता ने चिकना चूर कर दिया। वो 272 की फिगर को भी अपने आप नहीं छू पाए, 400 पार की तो दूर की बात है। तो डेफिनेटली जनता ने हमारे आवाज को सुना, हमारी बात वो समझे कि आईन बचाना कितना जरूरी है, देश में जमहूरियत को बचाना कितना जरूरी है। उस डायरेक्शन में देश ने अपना सपोर्ट दिया इंडिया गठबंधन को। आज हमने यही चीज इनको हाथ में थमा दिया कि ये याद रखना है, हमने कल वापस भी लोगों के पास जाना है, जिस भी तरीके से हो सके, जो भी आगे लाइन होगा, हमारा यही रहेगा कि हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन छेड़छाड़ नहीं होने देगी। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर आपसे भी अच्छा कर जाए तो फिर ज्यादा बुरा लगता है। देश की राजनीति में इन दिनों यही चल रहा है। किसी के खुशी और गम का वजह अगर आप ढूंढने चलेंगे तो वजह का कुछ खास कारण नहीं मिलेगा। कोई इसलिए खुश है क्योंकि उसको अचीवमेंट जो उन्होंने टारगेट रखा था वो अचीव नहीं कर पाया, इसी से कोई खुश हो जा रहा है। अब कोई गम में इसलिए डूबा हुआ है क्योंकि जो उन्होंने अचीवमेंट रखा था, जो अचीव करने के लिए उन्होंने टारगेट रखा था वो पूरा नहीं कर पाया। एक तरफ बीजेपी इस गम में डूबी हुई है कि उन्होंने 400 पार का जो आंकड़ा था उसको छूना तो दूर, बहुमत का 272 का जो आंकड़ा है उसको भी नहीं छू पाई। इस गम में बीजेपी अब तक डूबी हुई है, तो वहीं कांग्रेस इस खुशी में डूबा हुआ है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली, तो शायद इन 5 वर्षों के कार्यकाल में कभी उनको ऐसा मौका मिलेगा जब उनकी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि इन 5 वर्षों का जो सरकार है बनाने की जो कायबात चल रही है वो कितने सक्सेस होता है या फिर एक बार फिर बीजेपी कितने वर्षों तक सरकार चला पाती है या देखना बड़ा दिलचस्प होगा और आने वाले समय में रिजल्ट और भी साफ होंगे। सहयोगी सदाप के साथ चित्रंजन कुमार, TV45 रांची। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका करेंगे। चित्रंजन, देखिए अगर बात करें तो केंद्र में एनडीए की सरकार तो इस बार बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड के बीजेपी राजधानी स्थित रांची बीजेपी कार्यालय में कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या वजह है, क्या जो 5 सीटें हारी है बीजेपी या एनडीए गठबंधन, ये वजह है? लेकिन चित्रंजन, अगर दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें जिन 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई वहां पे आंकड़ा जो है जीत का वो 1.5 लाख के पार रहा, तो क्या ये बातें भी बीजेपी को सुकून नहीं दे रही है?
देखिए अंकिता, इस बात का थोड़ा सा कहीं जिक्र नहीं हो रहा है बीजेपी में कि जीत का आंकड़ों का, क्योंकि चर्चाएं इस बात की है कि बीजेपी ने जो नारा दिया था, प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, उस नारे को बीजेपी सफल करना तो दूर, जो 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है बीजेपी उसको भी छू नहीं पाया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक जीवन है, मतलब चुनावी जो जीवन है, उसमें ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है बहुमत सिद्ध करने के लिए, क्योंकि इससे पहले या गुजरात के सीएम के तौर पर देखा जाए उनका कार्यकाल, या पिछले 10 सालों का कार्यकाल देखा जाए, तो बीजेपी को हमेशा से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत वाली सरकार चलाने की जो है एक तरह से कहा जाए तो आदत है। ऐसे में इस बार जो परेशानियां है इस बात की है कि बहुमत का आंकड़ा जो बीजेपी के पास नहीं, जिसके कारण मंत्रिमंडल के विस्तार में भी बीजेपी को बहुत दबना पड़ेगा, और जो इनके जो एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको महत्वपूर्ण मंत्री पद देना होगा। हम झारखंड की सियासत की बात कर रहे हैं अंकिता, झारखंड के में दो तस्वीरें दिख रही, एक बीजेपी, एक जहां 14 में से 9 सीटें एनडीए जो है वो चुनाव जीत गई, वहीं कांग्रेस जो है 2 सीटों पर चुनाव जीती है, खूंटी और लोहरदगा की सीट। वही इस जश्न पर कांग्रेस एक तरफ जहां लगातार जश्न मन रहा, इस जीत की चर्चाएं हर तरफ चल रही, पार्टी दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के बीच इस बात का जिक्र हो रहा, वही दूसरी तरफ बीजेपी का जो कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश झारखंड का मुख्यालय जो है वो सन्नाटा है, क्योंकि आप चुनाव के समय उमन कार्यकर्ताओं से भरी हुई रहती थी, कार्यकर्ता वहां पर आते जाते रहते थे, बैठकों का दौर चलता था। आज एक बैठक हुई, वो बैठक थी समीक्षा बैठक, वो हार की समीक्षा कर रहे थे जिन सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ, क्योंकि जो आंकड़े बताए जा रहे थे झारखंड को लेकर कि झारखंड में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, एटलीस्ट 12 सीटें तो फिर से रिपीट करेंगी, और यही कारण है कि दो प्रमुख चेहरे जो है दूसरे दलों से लिए गए थे, जेएमएम और कांग्रेस से दो सांसद जो है बड़े चेहरे लिए गए थे, बीजेपी में शामिल कराए गए थे ताकि पार्टी को नुकसान ना हो, उन चेहरे को भुनाया जा सके, लेकिन वो दोनों ही चुनाव हार गए, समीक्षा इस बात की है। वहीं कांग्रेस बात का जश्न मना रहा है कि बीजेपी जो है उस 272 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई, और झारखंड में खासकर झारखंड में इनको भारी नुकसान हुआ। अब देखिए सिर्फ नुकसान ही नहीं, चंद्रप्रकाश चौधरी का अगर जीत का आप देखेंगे आंकड़ा तो काफी कम है, तो जीत का आंकड़े भी कम है, इस बात का भी कांग्रेस में जश्न है। तो कहावत है ना अंकिता, अगर आपका दोस्त फेल हो जाए तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अच्छे मार्क्स ले लाए, आपसे अच्छे मार्क्स ले लाए तो आपको उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। और खासकर झारखंड और भारत में आप देखेंगे कि पड़ोसी को देख के सबको जलता, अगर पड़ोसी तरक्की कर रहा तो उसका जलता है, वो दुख है तो सुखी ज्यादा मिलता है। तो झारखंड कांग्रेस की राजनीति और बीजेपी झारखंड की राजनीति इन दिनों वैसे ही दिख रही है कि दूसरे के दुख से ज्यादा खुशी हो रही है। हालांकि जो 2 सीटें जीती कांग्रेस ने जो जीती है, 15 साल बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस जो 2 सीटें पर चुनाव जीती, इससे पहले 19 में 1 सीट थी, उससे पहले जेएमएम के पास कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी, तो पहली बार ऐसा 14-15 वर्षों के बाद ऐसा आया है कि कांग्रेस को 2 सीटें जो है झारखंड से मिली, तो कांग्रेस में खुशी इस बात की भी है अंकिता जी। चित्रंजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि चुनाव नतीजों को आए 2 दिन बीत गए, लेकिन नतीजों में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। भाजपा ने नार तो 400 पार का दिया था, लेकिन बहुमत आंकड़ा 272 भी नहीं छू पाए। तो भाई इससे लेकर कहीं ना कहीं राजधानी स्थित बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा भी पसरा हुआ है। बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने आज समीक्षा भी की, लेकिन समीक्षा वो हार की थी। ऐसे में देखने वाली बात हुई कि बीजेपी अब इस पर पर्दा डालने के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार करती है।